क्यूरी, तू मेरा मोबाइल क्यों देख रही है? तुम जैसे गरीब मोबाइल नहीं देखते, हम जैसे अमीर देखते हैं। चल अब भाग यहाँ से। भागती है कि नहीं? चल भाग यहाँ से। नफरत क्यों करते? कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? कोई भी मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? बेटा क्षमा। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? बेटा मैं जादुई पेन हूँ, तुम्हारे पास में देखो। बेटा पर तुम बोल कैसी रही हो? बेटा मैं जादुई हूँ इसलिए। बेटा तुम चिंता मत करो और तुम रोना मत कभी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? इस पेन से तुम अपनी किताब में जो भी बनाओगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी और तुम अपनी सारी जरूरतों को इस पेन से पूरा कर सकती हो। ठीक है, लेकिन तुम चमा, बेटा चमा, इस पेन का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना, मेरी ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है जादुई पेन, मैं तुम्हारा कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी, मेरी जरूरत के लिए तुम मैं इस्तेमाल करूंगी जादुई पेन। ठीक है, अब चमा जाओ, खुश होकर घर जाओ और देखना एक दिन तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बनेंगे। ठीक है, मैं जाती हूँ। वाओ, एप्पल आ गए, अब मैं रोटी मंगा के देखती हूँ। वाओ, रोटी भी आ गई, अब मैं पपीता मंगा के देखती हूँ। पपीता आ गया, अब मैं कुछ भी नहीं मंगा रही, अब मैं नहीं खाऊंगी। थैंक यू जादुई पेन, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। अब जादुई पेन मैं तुम्हें रख देती हूँ। रुको शमा, शमा ये जादुई पेंसिल के बारे में तुम किसी को भी मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। अगर तुमने इस पेंसिल के बारे में किसी को बताया तो ये पेंसिल तुरंत गायब हो जाएगी। ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बता रही। हाँ जाओ, अब तुम अपनी फ्रूट्स खा लो। ठीक है दादी। दादी आपका हाँ। भी पैर दर्द कर रहा है? बहुत दर्द कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल पा रही बेटा, मैं बहुत जोर से पैर दर्द रुको, कर रहा है। रुको दादी, जादुई पेन मेरी दादी का पैर सही कर दो। ठीक है चमा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, क्योंकि तुम मुझसे मदद एक अच्छे काम के लिए मांग रही हो। देखना तुम्हारी दादी अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पैर को क्या हुआ? ये तो ठीक हो गया और हिलने भी लगा। मेरा पैर ठीक हुआ है बेटा, देखो मेरा पैर ठीक हो गया, पता नहीं क्या हुआ। अरे वाह दादी, अब
खेलने चलती हूँ। अरे बेटा चलो मैं भी चलती हूँ, मेरा पैर अच्छा ही हो गया, पता नहीं क्या हुआ, अभी चल भी नहीं पा रही थी, एकदम बहुत तेज दर्द कर रहा था। चलो अपन चलते हैं। चलो बेटा मेरा पैर भी अच्छा हो गया। चलो 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 बेटा मेरा पैर बहुत ही अच्छा हो गया, देखो मैं कितनी अच्छी हो गई, तुम्हें फिर से खिलाने लगी, अभी तुम्हें खिला भी नहीं पाती थी, अब अच्छी हो गई, अब मैं मेरी बेटी को ऐसे ही खिलाऊंगी। वाओ फोन आ गया, मैं इसे चलाते हैं। इसे कैसे देखने के लिए यार मैंने नया गेम डाउनलोड किया है। अरे तू खेल ले, पर मैं खेल। हाँ मैं तुझे तो खेलने दूंगी क्योंकि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है। हाँ चल पहले मैं खेल लेती हूँ। अब मुझे खेल ले, ले खेल ले। अरे तू क्यों जाकर देख रही है, तुम्हारे पास तो मोबाइल लेने के पैसे भी नहीं है, निकल दे, ये देख रही है बाद में खेल लेना। और ना तेरे पास मोबाइल नहीं है तो हमारे मोबाइल में क्यों देख रही है, खुद का खरीद लेना। इस पे फोन भी नहीं है। हाँ, बता कर। ओ, ये फोन और कहाँ से आया। हाँ निखिल, अरे ये तो बहुत महंगा है। हाँ निखिल तुम सच बोल रहे हो, इसके पास भी मोबाइल है और आईफोन है, आईफोन। हाँ निखिल, और तुम पर तो सादा ही है। क्यों अर्चिता, तुम तो गांव की अमीर लड़की और इस पर, ये तो गरीब है बेचारी, और इस पर तो आईफोन है और तुम पर तो ये रेडमी ही है। क्यों रे, तेरे पास इतना महंगा और इतना अच्छा मोबाइल कहाँ से आया। मैं नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताएगी। नहीं बताऊंगी। बता नहीं तो तेरा मोबाइल चुड़का लूंगी। मैं नहीं बताऊंगी। बता जल्दी से। मैं नहीं बताऊंगी। बता दे मुझे। नहीं बता नहीं तो इसका मोबाइल का तो राज तुम्हें आज रात को पता कर ही रहूंगी। मुझे चला लेना दो। ठीक है। देख निखिल मेरे पास ना उससे भी ज्यादा महंगा मोबाइल होगा, कल तक मैंने नया मोबाइल नहीं खरीद लिया ना, मेरा नाम भी अर्चिता नहीं है। अरे मेरे पास पर्स आ गया, थैंक यू जादुई पेन, तुमने मेरे लिए पर्स बना दिया। अब मैं तुम्हें रख के आती हूँ, ठीक है। चलो चलो पेन, मैं तुम्हें अलमारी के पास में रख देती हूँ। अब तो मैं इसका पेन चुरा कर ही रहूंगी। क्या करने आई थी। अरे मैं इस पेन की चोरी करने आई थी। क्यों। क्योंकि तुम्हारे पास वो मोबाइल देखकर मैं तुम्हारे घर पर तुमको चुप चुप कर देख रही थी, फिर मैं इसकी चोरी करने आई थी। पर तुम क्यों आई थी। मैं इसकी चोरी करने आई थी, मुझे ये पेन चाहिए थी। रुको मैं अभी तुम्हें अभी मैं पुलिस को बताती हूँ। तुमने बहुत बड़ी गलती की है लोग मेरे घर में चोरी करने की। पापा अरे रुको रुको, मेरी पुलिस से शिकायत मत करो, मुझे
मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी तुम्हारी पेन नहीं चुराऊंगी। नहीं मैं वापस बोलूं। मत करो प्लीज, मेरी बात मानो प्लीज, मुझे माफ कर दो। तुम ये बताओ क्या तुम कभी भी मेरी पेन चुराओगी? नहीं चुराऊंगी। किसी के घर में जाके चोरी करोगी? नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। ठीक है मैं नहीं करूंगी अगली बार से ऐसा। अब तुम कभी भी चोरी मत करना। ठीक है मैं अब चोरी कभी भी नहीं करूंगी। अब बताओ तुम कभी भी घमंड नहीं करोगी ना? हाँ मैं नहीं करूंगी, कभी चोरी भी नहीं करूंगी और घमंड भी नहीं करूंगी। और कभी गरीब लोगों का मजाक उड़ाओगी? नहीं उड़ाऊंगी। ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया। थैंक यू चमा, तुमने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू। अब तुम घर पे चली जाओ। ठीक है अब मैं घर जाती हूँ।